मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनसे रिएक्शन लेना शुरू करूंगा। आप मेरे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, बंगाल से आपका स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। मेरे साथ विजय मिश्रा, स्पोक्सपर्सन टीएमसी के अभी जुड़ने वाले हैं, गौतम लहरी, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। रवि आपके सामने, अभिषेक उपाध्याय आपके सामने, पीयूष को बनाए रखेंगे। अभिषेक, पहली बड़ी खबर मिस इन्फॉर्मेशन के चलते पश्चिम बंगाल चुनाव से ये खबर आ रही है, 10 मार्च को नंदीग्राम में जो कुछ भी हुआ था वहां पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई कर दी है, और इसी की ये बड़ी कार्रवाई में अभिषेक जो आपकी रिपोर्ट आई, इनफैक्ट जो जिसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, मेदिनीपुर के डीएम को हटा दिया गया है, एक दूसरी बात जो हमारे सामने आ रही है उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अभिषेक, इसका क्या इंपैक्ट वहां पर देख रहे हैं आप? देखिए, दो चीज़ें बहुत ही साफ हैं। पहली बात तो ये जो पीयूष कह रहे थे कि सही इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, पहली बात तो ये एकदम क्लियर। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो सिक्योरिटी लैप्सेस को है, जो कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई में वो सिक्योरिटी लैप्सेस भी बहुत उसका एक बड़ा आधार है। और बड़ी बात ये है कि देखिए, ये भी क्लियर हो गया है कि वहाँ पर कोई अटैक नहीं हुआ था, ये बात भी क्लियर हो गई। उसके पीछे जो पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में भी उन्होंने थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए, लेकिन जो थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए, पीछे का एंबियंस बहुत नहीं दिए थे। प्लीज गो अहेड अभिषेक, सुन सकते हैं, बताइए। बिल्कुल, देखिए निशांत, मैं ये कह रहा था कि दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी लैप्स थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी, वो भी एक बड़ा मसला है, और ये भी एकदम क्लियर हो गया है इस रिपोर्ट से कि ममता बनर्जी पर कोई अटैक नहीं हुआ था, ये एक्सीडेंट था, जो कि TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले रिपोर्ट किया था, आई विटनेस गवाहों के आधार पर रिपोर्ट किया था, उन गवाहों से भी पूछताछ की इलेक्शन कमीशन ने, वो जो वीडियो है जो हम लोगों ने रिपोर्ट किया था वो भी उनके कॉग्निजेंस में, उसको भी कॉग्निजेंस में लिया है, और ख़ासतौर पर जो मिठाई दुकान के मालिक निमाई मैथी उसका भी बयान लिया है, और इसी नतीजे पर पहुंची जो रिपोर्ट आई है उसमें यही क्लियर था कि कोई 4-5 लोगों ने अटैक नहीं किया है, ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन उसको भी डिटेल वहां के मैंने और प्रशासन ने, इसीलिए कार्रवाई की गई है। निशांत, ये बड़ी खबर आप जो बता रहे हैं, मैं इसके बाद सीधे चलूंगा रवि के पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।